यही पता करवाना है। चल खला। भाभी भाभी ये खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है भाई? सिंगापुर के हॉस्पिटल में आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स भेजी थी, वहां से रिस्पांस आ गया है। अब हमें जल्द से जल्द सिंगापुर जाना होगा। क्या वाकई? हाँ। तुम कितना कर रहे हो मेरे लिए? आजकल तो कोई अपना सगा भी इतना नहीं करता। भाभी आप क्यों इस तरह की बातें करती हैं? आप भी तो हम सबके लिए इतना करती हैं, हम सबसे इतना प्यार करती हैं, मुझसे इतना प्यार करती हैं। आपके लिए तो दिल चाहता है जान दे दूं। खबरदार ऐसी बातें मत किया करो। अच्छा ये बताएं, आपका आईडी कार्ड बना हुआ है? हाँ, मगर आईडी कार्ड क्यों? अरे भाई पासपोर्ट बनवाने के लिए आईडी कार्ड की जरूरत होगी ना। आईडी कार्ड तो अम्मा क्या है। अच्छा तो फिर जाके ले आए। अच्छा फिर कल ही जा सकती हूँ, कोई बहाना बनाना पड़ेगा। हाँ और फिर हम कल ही आपके पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देंगे। बल्कि एक काम करते हैं ना, मेरा पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया है तो हम दोनों एक साथ ही अप्लाई कर देंगे। लाखों रुपए कहाँ से आएंगे इनायत? मुझे ऐसे ख्वाब मत दिखाओ जो पूरे ना हो सके, जिनके पूरे ना होने पर तकलीफ हो। तुम्हारी बातों ने मुझमें जीने की ख्वाहिश पैदा कर दी। पैसों की फिक्र मत करो, बस आप अच्छे अच्छे ख्वाब देखो और आपके सारे ख्वाब मैं पूरे करूंगा। अच्छे हो तुम। आप भी बहुत अच्छी हैं। अरे भाई बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, जिस बीवी की खातिर तुमने सब कुछ उसी ने तेरे साथ बेच दिया। इसी बात का तो दुख है काकू कि बीवी ने धोखा दिया सो दिया, लेकिन सगे भाई ने मेरी पीठ में खंजर घोपा है। क्या जमाना आ गया यार, कितने पाक रिश्ते को बदनाम कर रहे हैं दोनों। चंदा और अनायत की बात तो समझ आती है, लेकिन तेरी माँ उनका क्यों साथ दे रही है ये समझ नहीं आता यार। काकू यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि अम्मा झूठ क्यों बोल रही। अब मेरा दिमाग फट रहा है, मेरा दिल चाह रहा कि ये जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। हजारों बार जता चुका हूं चंदा को कि मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। काकू मुझ में इतनी बर्दाश्त नहीं है कि मैं और सफर करूं। अपना पिस्टल दे, दोनों को मार दूंगा। ला दे पिस्टल। फिर दोनों को मार और दुबई निकल जा। अरे पासपोर्ट इतनी है मेरे पास। अरे तो पासपोर्ट बनवा ले, जब तक पासपोर्ट बनता है तू खोज लगा के असल मामला के, फिर दोनों को मार के निकल जा। इब्राहिम भाई ये है प्लॉट मेरा। बहुत मौके का प्लॉट है, 10 मरले का है। ये सारी पट्टी 10 मरले की है। बहुत अच्छी जगह, बस जितनी जल्दी हो सके बिकवा दें इसे। देखो ना पहले तो मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, बहुत कमाल की जगह, मत बेचो इसे। मजबूरी है मेरी, मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत है इसलिए बेच। अरे नायत तुमने तो कहा था घर बनाओगे यहाँ पर। हाँ सोचा तो यही था कि इस प्लॉट पर अम्मी के लिए घर बनाऊंगा, मगर क्या करूँ मजबूरी है, फिर कभी बना लूंगा। देखो नायत जल्दी में बेचोगे तो कीमत अच्छी नहीं मिलेगी, इस वक्त 34 से 35 लाख का प्लॉट है ये। सही कह रहे हैं भाई। इब्राहिम भाई ये सारी बातें मैं जानता हूँ, लेकिन बस मेरी मजबूरी है, जितनी जल्दी हो सके इसे बिकवा दें। मार्केट में इसकी जो भी प्राइस लगती है आप मुझे बताओ। आप प्रॉपर्टी डीलर? जी जी। अब मुझे अपना कार्ड दें, हो सकता है मैं कोई अच्छा कागज लगवा दूँ।
इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और जितनी जल्दी हो सके आप किसी भी ग्राहक को इब्राहिम भाई से मिलवा दें। जी ठीक है। एक मिनट। हेलो। हेलो इनायत, मैं चंदा बात कर रही हूँ। जी भाभी। वो मैंने बताना था कि आईडी कार्ड मिल गया है मुझे और मेरे पास ही है। तो बस अब आप तैयार हो जाएं, मैं आ रहा हूँ, फिर आपको पिक करके पासपोर्ट ऑफिस चलेंगे। हाँ ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। ओके। जी जा रही है ये? ये किसका इंतजार कर रही है? आए भाभी बैठे। कहाँ रह गए थे, इतनी देर कर दी तुमने। बैठे तो सही, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं देखा। चलो अपना और अपनी भाभी का पासपोर्ट बनवाना। आप अपना आईडी कार्ड बे फॉर्म वालदा या वालिद का आईडी कार्ड की कॉपी दे दीजिए, और चूंकि ये शादीशुदा हैं तो इनके शोहर का आईडी कार्ड और नादरा का रजिस्टर्ड निकाह नामा दे दें। मगर मेरा निकाह नामा तो अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है। तो जाएं करवाएं, आपका काम मैं करवा दूंगा, आप बस डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लें। जी हम डॉक्यूमेंट्स अरेंज करते हैं, हम जरा आपस में डिस्कशन कर लें। एक्सक्यूज मी। आइए भाभी। अब क्या करें अनायत, निकाह नामा कहाँ से लाएंगे, अभी तो रजिस्टर्ड भी नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, भाई से एनआईसी ले नहीं सकते, निकाह नामा लेना और फिर उसको रजिस्टर्ड करवाना नामुमकिन है। शराफत, 100-100 सवाल पूछेंगे, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या कहूंगी। भाभी एक ही रास्ता है हमारे पास। क्या? ऐसा करते हैं भाई को सब कुछ सच सच बता देते। हरगिज नहीं, वो सब कुछ अम्मा को बता देंगे और ये सुनकर कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, अम्मा हार्ट अटैक से मर जाएंगी। भाभी हो सकता है ये आपका वहम हो कि भाई ऐसा करेंगे। नायत मैंने शराफत को बताने की कोशिश की थी एक दफा, मगर मेरी बात समझने के बजाय वो गुस्से में आ गए और सीधा अब्बा की दुकान पर जाकर लड़ पड़े कि क्यों क्यों एक बीमार बेटी ब्याह दी, बड़ी मुश्किलों से झूठ बोलकर अम्मा को टाला है मैंने, शराफत को बिल्कुल नहीं बता सकती। भाभी फिर तो पासपोर्ट नहीं बन सके। ना बन, मुझे मरना मंजूर है, मैं अपनी माँ की जान का रिस्क नहीं ले सकती, शराफत पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, एजेंट के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं शायद कोई और हल निकला है। ठीक है। अब सारे हालात से तो आप वाकिफ हैं, मुख्तसर ये कि जो डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हैं इनके वो हम आपको नहीं दे सकते। देखिए पासपोर्ट तो हमें फिर भी किसी सूरत भी बनाना है, तो आप ही कोई हल बताएं। इसका भी एक हल है और बहुत आसान सा है। वो क्या? अगर आपका आईडी कार्ड शौहर के नाम पर नहीं बना तो ये बताने की जरूरत ही नहीं कि आप शादीशुदा हैं। फॉर्म पे हम मेंशन कर देंगे कि आप गैर शादीशुदा हैं। और अगर ऐसे अप्लाई करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? इनके वालिद और वालदा की आईडी कार्ड की कॉपी और इनका बे फॉर्म चाहिए बस। भाभी आपका बे फॉर्म और अख्तर अंकल का आईडी कार्ड तो मिल जाएगा। बे फॉर्म तो है मेरे पास, आईडी कार्ड का कुछ कर लूंगी कोई मैं फॉर्म फिल कर देता हूँ, आप बैंक में फीस जमा करवा दें, कल डॉक्यूमेंट्स ले आइएगा और कल ही केस में सबमिट हो जाएगा। जी जी और ये पासपोर्ट कब तक मिल जाएगा?
पासपोर्ट अर्जेंट एक हफ्ते में और रेगुलर कोई एक महीने के अंदर मिल जाएगा। आप ऐसा करें, अर्जेंट करते हैं, आप फॉर्म फिल कर दें अर्जेंट के लिए। चले ठीक है जी। नाम क्या है आपका? इनायत। और आपका? फरवा अख्तर। ठीक। ये तो कितने पैसे देंगे आप उस प्लॉट के? 20 लाख में सौदा करवा दें। हजूर 35 लाख से ऊपर का प्लॉट है वो। अजी बात तो सुने, 20 में सौदा करवा दें, 4 लाख में आपको दे दूंगा। इतनी अच्छी लोकेशन का प्लॉट है हजूर, कुछ तो सोचें। 5 लाख आपको दे दूंगा, सौदा 20 में ही करवा दें। ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। ये लें 1 लाख, टोकन और बात को आगे बढ़ाएं। अब आपका पासपोर्ट बहुत जल्दी बन जाएगा और ये आपने बहुत अच्छा किया जो अर्जेंट में बनवा लिया।